नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुडं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमुत्तम मंगलं वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थं संदष्टार्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम मंगलमय मंगल करणवीतराग विज्ञान नमोताय आते वहि अरहंतादि महान ओम नमः कैसी सुंदर चर्चा है। पापी के पाप वासना रहती है क्या रहती है? पापी के पाप वासना, वासना तो जानते ही होगे, बसी हुई हुई थी, बसी रहती भीतर में, जिसको ग्रामीण भाषा में कहते थे वो घुस गई भीतर, निकलती नहीं। पापी के पाप वासना रहती है, विचार करो। अगर कोई अनिष्ट हो जाए, कछु परिचक्कर है, काउ ने कछु कर दो, भीतर घुसी रहती है, जबरन रहती है, ये हमको हैरान कर रहे हैं। ये भीतर में घुसी रहती है, नहीं रहा। इष्ट अनिष्ट किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है, ये भीतर घुसी है, पापी के पाप वासना रहती है। ऊपर ऊपर सब होता रहता है, भीतर में घुसी रहती है। यही हम हैं, दे हम 50 वर्ष के हो गए, 20 वर्ष के हो गए, हम कमजोर हो गए, अब हम ठीक हो गए। ये भीतर से बिना सिखाए आ रही है, कोई सिखा नहीं रहा, भीतर बसी है तो निकलती है, नहीं है तो कहां से निकले। यहां कोई चीज छिपी हो तो अपन ढूंढो, अच्छी ऊपर से नहीं दिखेगी, लेकिन जब बिल्कुल खोल करके अलग किया जाए तो वो दिख जाएगी, लेकिन अगर है ही नहीं तो कहां से दिखेगी, फिर कहां से, ये कहां से निकले आई, ये बता, खड़े हो जा, निकाला, ये कहां से निकले आई, ऐसे कहते हैं ना, तो भीतर थी तभी तो निकली। माने कसाय का निमित्त बनने पर कसाय आ कहां से गई, इसका मतलब है भीतर बसी है। तो पापी के पाप वासना रहती है, माने ये विपरीत मान्यता भीतर बनी रहती है, ऊपर ऊपर से पुण्य कर रहा है, दया कर रहा है, लेकिन मैं करता हूं, ये कर्तव्य तो भीतर बैठा रहता है। कुछ नहीं साहब, सब आपका ही है और हम तो कुछ नहीं है, ऊपर से विनम्रता हो रही है और भीतर में मैं बड़ा आदमी हूं, ये बैठी रहती है। और फल तो अभिप्राय में जो वासना है उसी का लगता है, मुख्य क्रिया का भी लगता है, परिणाम का भी लगता है, लेकिन मुख्य रूप जो फल है वो अंतर के अभिप्राय का। तो पाप वासना बसी रहती है, इसका अर्थ समझ में आया क्या? मैं यही हूं, प्राप्त पर्याय में उस पर्याय रूप ही मैं हूं, ये बसा हुआ है। उस पर्याय में परिवर्तन होता है तो ऐसा लगता है मेरे में परिवर्तन, मैं कमजोर हो गया, मैं बीमार हो गया,
मैं कट गया, मैं छिद गया, मैं बिक गया, मेरा लुट गया, मेरा चला गया, मेरा, मैं पाप वासना समझिए क्या है, मेरापना, शरीर में और संयोगों में मेरापना बसा है, वह बिना स्वानुभव के नहीं निकल पाता। जब जिन वचनों से निर्णय किया जाए तब वह भीतर, तब ऐसा लगता है बात ये झूठी है, हमारी हमारी मान्यता झूठी। तो पाप वासना का अर्थ बोलो, बड़ा पाप में ख्या तो है मोह वासना, बसी हुई चीज। बसना एक तरह का समझो स्थायित्व सा हो गया है, इसीलिए इसको दुर्निवार कहा है, निकलना मुश्किल कठिन, माने कोई तीव्र पुरुषार्थ हो तो निकल पाएगा, नहीं तो बसी हुई है वो भीतर बैठी, ये मैं हूं ये मैं हूं, ये तो शब्द नहीं आते लेकिन भीतर में तो लगा ही। आत्मा में अहमपना आए बिना पर द्रव्यों में अहमपना किसके बल से जाएगा, जो बता निज बला दिन बीता, मोह को निज बल से ही जीता जाता है, कोई दूसरे के बल से नहीं जीता जाता। ये तो लौकिक में भी दृष्टांत दिया था, दूसरे का कर्जा ले लिया मान लो किसी ने, तो वो ऋण कैसे होता है, अपने पास से देगा तभी ऋण होगा, दूसरे से लेकर दूसरे को दे दे तो उसका तो ऋण हुआ, उसका तो ऋणवान हो गया। ये तो पहले दिया था दृष्टांत समझ में, आपने इनके रुपये ले 5,000 रुपये दिए, आपने चुपचाप फिर इन्हें भैया ना है, कल हमके रुपये से ही ध्यान रखो, आपने इनसे लेकर के दे दिए, तो इनका ओरणपना हुआ लेकिन इनका तो। पर का कर्जा पर से ही चुकाने पर ऋण कैसे हुआ, ऋण तो तब होगा जब वो अपने पास से चुकाएगा, ऐसे ही निर्मोही कब होगा जी बता। पहले वह परिवार अपना लगता था, अब ये परिवार अपना लगने, पहले अपने को क्या लगता था, आपको क्या लगता था, पहले मैं बच्चा हूं, फिर क्या लगने लगा, मैं युवा हूं, फिर क्या लगने लगा, मैं प्रौढ़ हूं, फिर क्या लगने लगा, मैं वृद्ध हूं। उस दिन चली थी भैया, क्या कहें समाज में, अब बड़े बूढ़े तो सब चले गए, अरे अपने ही बड़े बूढ़े हो गए ना, ये क्यों भूल जाते हो, माने अपनी जिम्मेदारी बढ़ गई, अब कब तक अपने को बच्चे ही मानते रहोगे। तो पहली पाप वासना तो ये है, क्या पर द्रव्यों में एकत्व बनेगी, अपने आप बिना सिखाए, सीख बिना नर सीख रहे, आपसे कोई एक है ये लड़के यहां ना, तो आपको अटपटा लगेगा, अटपटा लगेगा, अब हम लड़का है, समझ में आया ना। ये पाप वासना माने प्राप्त पर्याय में तन्मय, उस पर्याय के परिवर्तन के साथ ये अपना परिवर्तन लगता है पूरा का पूरा। दूसरी पाप वासना कर्तत्व की,
मैं करूंगा, मैं अच्छा कर लूंगा, मैं करता हूं, मैं मेरे बिना नहीं होता, मैं चला रहा हूं, ये कर्तत्व। इस संबंध में एक चर्चा की थी, अज्ञानी को कदाचित विकल्प के अनुसार कार्य न हो तो अभी कर्तत्व नहीं छूटता, दूसरे का दोष दिखाई देता है। हमने तो सही प्लानिंग की थी, अब इन्होंने मानी नहीं, हम क्या करें। हमारी प्लानिंग बिल्कुल सही थी, इस हिसाब से काम होता हो जाना चाहिए था, बिल्कुल हो जाता, लेकिन इन्होंने बीच में बदल दी सारी बात, गलती इनकी है। मेरे विकल्प झूठे से नहीं लगता, कोई भी कार्य न हो पाए तो हमारी दृष्टि कहां जाती है, बाह्य कारणों पर निमित्त पर। अरे उस कार्य की योग्यता नहीं थी इसलिए, योग्यता रूप मूल कारण पर बिल्कुल भी विकल्प नहीं आता, उधर निगाह ही नहीं है। जैसे एक दृष्टांत दिया था तुम्हें, घर में कदाचित चोरी हो जाए, बड़े घर में दो चार से नौकर भी हैं, तो सबसे पहले किस पे निगाह जाएगी, जो गरीब सा नौकर, नया सा नौकर आया उस पर जाएगी। जो नया सा नौकर हो या गरीब सा हो उस पर जाएगी, हो सकता है। और चाहे भले उसके लड़का ही चोरी कर रहा हो, लेकिन उस पर निगाह नहीं जाती वो, और उसकी ओट में वो छुपता बढ़ता रहता है। ऐसे ही हमारी जो उपयोग है, निगाह समझ लो, उपयोग समझ लो, हमेशा वहां जाता है। ज्ञानी को अपने विकल्प के अनुसार कार्य हो जाने पर भी कर्तत्व तो नहीं आता, अज्ञानी को विकल्प के अनुसार कार्य नहीं होने पर भी कर्तत्व तो नहीं आता। क्यों क्यों बताओ, बढ़िया उत्तर। अरे अध्यात्म को तो साथ में लेकर के चलो भैया, बिना अध्यात्म नहीं चल पाओगे। अकर्तत्व शक्ति और कर्तत्व शक्ति आत्मा में है। आत्मा के आश्रय के बिना, लक्ष्य के बिना, अनुभवन के बिना आत्मा कैसा करता है ये भी नहीं समझ पाओगे, और जैसा अकर्ता है वैसा भी नहीं समझ पाओगे। तुम जो अकर्ता कर्ता कहते हो वो भी झूठा है, और तुम जो कर्ता कर्ता कहते हो वो भी झूठा है। जो तुम कहो हम अकर्ता है, झूठी बात। क्यों बोलो, क्यों झूठा? अरे बोलते क्यों नहीं, लोग यार तुमसे नहीं पूछ रहे। हाँ बोलो, अपने को आत्मा बसर बोलो। अरे उसने पर का कर्ता अकर्ता कहने के साथ में उसने अपने परिणाम का भी अकर्ता मान लिया, स्वच्छंद हो गया। हम कौन कर्ता धरता, हम कौन कर्ता धरता। व्यवहार कर्तत्व को भी उसने उड़ा दिया। समय सार सर्वविशुद्धि अधिकार में पढ़ लेना, कथनचित कर्तत्व की जो जिन श्रुति है, जिन श्रुति माने जिन वचन, उसको कुपित करते हैं, सर्वथा कर्ता मानते हैं। कर्म ही सुलाते हैं, कर्म ही रुलाते हैं, कर्म ही हंसाते हैं, कर्म ही सब करते हैं। ये कर्म ही को कर्ता मानता, प्रकृति को ही कर्ता मानता है, और सर्वथा। और जो आत्मा कथनचित कर्ता कहा, ध्यान रखना, उस कथनचित कर्तत्व को उड़ा देता है। और ऐसा जीव अपने रागादिक के होने में पर का दोष मानता है, अपना दोष नहीं मानता। अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए, अपने साम्य भाव के लिए, अपनी शांतता के लिए दूसरे की ओर देखता है। तुम हमारी मदद करो, विनय की भाषा अलग है, ध्यान रखना व्यवहार। तो अकर्ता के नाम पर अकर्ता है, लेकिन किसका अकर्ता है? अकर्ता शक्ति बताना, 47 शक्तियों में अकर्तत्व शक्ति है। अरे अमूर्तत्व, अकर्तत्व, निष्क्रियत्व, ये अभोक्तत्व शक्तियां हैं कि नहीं?
व्यवहार करोगे तो व्यवहार ही व्यवहार पकड़ लोगे, निश्चय करोगे तो निश्चय निश्चय खींच दोगे, नहीं संतुलन क्यों नहीं बना दी भैया। सबका चार दे दिया पढ़ने को, वही पुराण दे दिया पढ़ने को, वही फलाना काम ये पढ़ो, बस बन गए गुरु जल्दी से। क्या पढ़ा है हमने इनको, कहा पढ़ा क्या है तुमने जी बता, हमने नियम सार पढ़ा, समय सार पढ़ो, तो श्राव का चार पढ़ो ये आए। क्या पढ़ा तुमने, हमने श्राव का चार पढ़ा, हमने समय सार पढ़ो। अरे ये क्या लिखा है यहां बोलो, निश्चय का अधिक हो तो व्यवहार, व्यवहार का अधिक हो, अब तुमने कहां छोंक दी बिना। अरे डॉक्टर भी ये समझो मरी जाता है, तुमने इलाज किया, किसी को दिखाया, जरा पर चिला किसको इलाज करा, किसके पर चला, क्या क्या दवाई दी, करता कि नहीं करता बता साहब, हमें काम करना है, तुम अभी तक क्या करते थे बता, क्या काम किया, कहाँ करते थे, उसी सब पता तो पड़ेगी, वो व्यवस्था काम कौन सा काम करने लायक है, कितना काम करने लायक है, वहां क्यों छोड़ के आज बता। वो साहब वो ऐसे थे, अब समझ लो गड़बड़ हो आदमी, दूसरे का दोष कर देखता है उससे बड़ा दोषी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। एक दिन हमने दूसरी भाषा बोली थी, ये बहुत खराब आदमी है, जिसको ये लगता है ये एक बात समझ लेना तुमसे खराब नहीं है, कितना ही खराब होगा वो तुमसे खराब नहीं होगा, माने तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे परिणाम खराब हैं, उसके लिए वो होगा जैसा होगा, हमें क्या लेना देना। हाँ क्या बहुत दिन से देखी नहीं है, क्यों पीड़ा 47 शक्तियां, कम से कम सामायिक में एक टाइम, सप्ताह में एक दिन, कम से कम तो कभी 8-14 कहा करते तुम उंगली पे, ये तो हमारी अपनी शक्ति की खबर नहीं। ज्ञातत्व मात्र से भिन्न, क्या शब्द आया, आया कि नहीं, ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न समस्त कर्मों के उपरम स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति, समस्त कर्मों के कार्य के उपरम स्वरूप, माने ज्ञातृत्व का अकर्ता नहीं है, अपने ज्ञानाधिक भाव का अकर्ता नहीं है, ये ध्यान रखना। इनके लिए तुम दूसरों के बल भरोसे रहो ये मत सोच लेना, बेईमानी मत करना, क्या रागादिक के होने में दूसरे का दोष देखो और ज्ञानादिक के होने के लिए दूसरों पर अवलंबन करो, दूसरों के भरोसे रहो, ऐसा अकर्ता देखने वाला जीव मोक्ष मार्गी नहीं होता, सम्यक्ति नहीं होता। एकस्य कर्ता न तथा परस्य इति द्वयो द्वावित पक्षपातो यह तत्व वेदी चित पक्षपात है तस्यास्ति नित्यम खलचित्तिदेव। बोलो क्या है, क्या लिखा है कि नहीं, एकस्य कर्ता, अब तुमने कहा नहीं अकर्ता अकर्ता अकर्ता, ये क्या मतलब हुआ, जब अमृतचंद स्वामी कहते एकस्य कर्ता तो वो कैसे कर्ता कह रहे हैं उसको, तो बस सोचो तुम, हम इसको दूसरे नए से बोल रहे, एकस्य कर्ता न तथा परस्य है, एक न ऐसे अकर्ता है न तथा परस्य, आत्मा कर्म नो कर्म का व्यवहार न ऐसे करता है, माने निश्चय न ऐसे करता नहीं है, क्यों कि वह कर्म और नो कर्म रूप परिणमता नहीं है, निमित्त निमित्तिक संबंध होता है, परिणमता नहीं है, हो गया कि नहीं हो गया। आत्मा अपने विकारी भाव का अशुद्ध नैसे करता है, इसका मतलब क्या होगा, शुद्ध नैसे करता नहीं है, ये ऐसा व्यवहार नैसे करता, वो तो व्यवहार व्यवहार झूठा है झूठा, ऐसा नहीं है, वो तुमने तुम्हारा दोष है, तुम ही पढ़ने में। पंडित दीपचंद जी ने कैसे ऐसी भाषा लिखी है, भैया ये अविद्या तुम्हारी फैलाई है, माया समेट हो अपनी, ये तुम्हें ही समेटने पड़ेगी, माने तुम्हें ही तुम्हारा मोह छोड़ना पड़ेगा, जी छुड़ाएंगे नहीं महाराज, हमारा मोह छुड़ा दे,
अरे मोह छुड़ाने की चीज नहीं है, छोड़ने की चीज है। मोह छोड़ने का उपदेश दिया है, लेकिन मोह तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, हम छुड़ाएंगे। अशोधन ऐसे करता है, माने वो क्या नाम, अरे क्षणिक व्यापक संबंध उसमें व्याप रहा उस समय, ये समझ लेना। नित्य तादात्म भले नहीं है, लेकिन क्षणिक तादात्म उस रूप हो गया है। जैसे लहर जिस समय उठी है तो पानी लहर रूप हो गया है, ऐसा नहीं है पानी एक ऐसे बैठा है उसके ऊपर एक ऐसी अलग से कोई डिजाइन बन गई है, पानी ही लहर रूप हो गया है। वो आटे की जो लोई थी ना, वो ऐसे रोटी रूप हो गई है, ऐसे फैल करके, वो ही फैल करके शुद्ध ऐसे शुद्ध भाव का करता है, माने अपने शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करे तो यह आत्मा स्वयं ही शुद्ध भाव रूप परिणम जाता है। साध साधक भावे ने दुधे का समुपासिता, भाई थोड़ा कठिन पड़ता है तो अभ्यास करो, कठिन पड़ता है तो अभ्यास करो, ट्यूशन लगा ले। हाँ, लेकिन कहने का मतलब यह है कठिन को अभ्यास से सरल बनाओ, ये बात तो समझने बिना काम नहीं चलेगा। तुम अकर्ता आत्मा को समझे बिना कर्ता मानोगे तो भी मिथ्या है, और कर्ता मानोगे तो भी मिथ्या है, एकांत मिथ्या। कर्ता मानने वाले भी मत हैं, कर्ता मानने वाले भी मत हैं कि नहीं, और अकर्ता मानने वाले भी मत है, और मानने वाले कुछ नहीं, वे तो बस जो उनको कुल परंपरा से मिल गया, जो उन्होंने पढ़ लिया, सो मान लिया है, उनकी समझ में उनके भी नहीं आता। अगर इधर से प्रश्न ठोंक दिया जाए तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। तुम नहीं कर तो तुम अपने परिणाम के कर्ता नहीं हो, तो तुम्हें ऐसी परिणाम का कर्ता कौन है ये बता, कौन कराता है? जो स्वयं न करे वो तो उसको तो दूसरा नहीं करा सकता। और मान लो तुम्हारे परिणाम को इसने कराया, तो इसने सबको क्यों नहीं करा दिया? जो शक्ति नहीं है वह दूसरों के द्वारा नहीं दी जा सकती, और जो शक्ति है उसे पर की अपेक्षा नहीं होती। ये न्याय है, वो अकाट्य सिद्धांत है, न्याय है। स्यात् पद अगर निकाल दोगे आप, जिन वचन नहीं बताएंगे, एकांत मिथ्यात हो जाएगा। स्यात् पद निकाल दो, स्यात् करता, स्यात् अकर्ता, स्यात् एक सर्वथा एक नहीं, कैसा एक है जिसमें अनेक गुण पर्याय व्याप्त होने, पी बैठा है एकदम रहित है, वो पी बैठा है, उनकी विकल्प से रहित है, अखंड भारत है हमारा। ऐसा अखंड भारत नहीं है कि सब रिप्लॉट कर दिए, वो क्या नाम, वो कौन सी चलती मशीन, वो बिल्डोरे चला कर सब बिल्डिंग तोड़ के एक वहां से वहां तक काश्मीर से कन्याकुमारी तक मैदान कर दिया है, ऐसा खंड नहीं, ऐसा खंड है क्या जी? कैसा खंड? इसमें इतने इतने खंड हैं, इतने प्रांत हैं, इतने जिला हैं, इतने ये हैं और इतनी बिल्डिंग है, जी कैसा खंड है? कि हाँ ऐसा ही अखंड, अद्भुत अखंड, अनिराकृत खंडम अखंडम, अनराकृत खंडम अखंडम। और देखो दूर क्यों जाते हो, अपन कोई नारा लगा हम सब एक हैं, वाह वाह, हम सब बहुवचन है कि एक वचन है, और क्या बोलते हम सब एक हैं, अब तो हम सब और एक कैसे हो सकते? कौन कौन स्वामी ने तो हम एक को मैं एक हूं ये कहा, और तुमको क्या नारा लगा रहे हम सब एक हैं, ये क्या मतलब हुआ? इस मुद्दे पर एक मत है, इस मुद्दे पर एक मत है, अथवा हम सबकी जाति एक है, हम सबका लक्ष्य एक है,
हम सबकी समस्या एक है तो हम सबका समाधान भी। तो एक जो कहा हम सब एक हैं तो झूठी कही है। कोई व्याकरण वाला बैठा हो बोले क्या कहते हो, हम सब एक नहीं हो सकती, हम सब अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं, हम सब एक हैं। जीवा जीव आश्र बन संबंध नजरा मोक्षा तत्त्वम तत्त्वम एक वचन के बहुवचन, सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी मुक्त मार्ग एक वचन के बहुवचन, मत सुतावधि मन परे केवलानी ज्ञानम एक वचन के बहुवचन। ये क्या मतलब हुआ, क्या मतलब है बोलो। स्यात् एकम किसी भी क्या है कोई भी हो, आठवें अधिकार में मुख्य वो सातवें ही अधिकार में उभयभाषी के प्रसंग में पंडित जी ने लिखा है तो देखो, नाना विविक्षाओं से नाना धर्मों की अपेक्षा से नयों के कथन हैं, इसलिए उनमें परस्पर विरोध नहीं है। अगर तुम नाना धर्मों को नहीं समझ पाओगे, विविक्षा को नहीं समझोगे, तो तुम्हें दोनों कथनों में विरोध भाषित होगा। हाँ, विविक्षा भेद है, विरोध नहीं। तो पाप वासना क्या बसी हुई है, कर्तव्य तो मैंने नहीं किया तो कौन ने किया, आज पड़ोसी ने किसने किया, सबसे पूछ लो, चाहे कोई कह देगा ये भैया ने किया। आज प्रश्न किसने किया, और करने वाले को भी यही लग रहा मैंने किया। आज प्रश्न किसने किया, और जरा प्रसन्नता से बोलने प्रश्न करने वाले ने प्रसन्नता से बोला है, आज प्रश्न किसने किया, इतना बढ़िया प्रवचन भैया तुम्हारे कौन आया, कजी नहीं जा, हमने कहा, हम भीतर भीतर क्या लग रहा है, हमने किया। पाप वासना ऐसी बैठी है, कर्तृत्व की वासना, मैं नहीं करूं तो कौन करे, नहीं तो कर रहा। सुख बुद्धि बड़प्पन की बुद्धि ऐसी बैठी है, पाप वासना आपको जट सी लगे बहुत बड़ा आदमी है, तुम्हें नहीं मालूम बड़ी है, तीन फैक्ट्री है उसकी, तो तीन फैक्ट्री से बड़ा कैसे हो जाएगा, पांच योजन में राजा निकलता है, लेकिन राजा है। बोलो समयसार क्या पढ़े तुम, बहुत बड़ा आदमी है, अरे बड़ा आदमी कैसे हो गया भैया, फैक्ट्रियों से बड़ा हो गया, उसका अरबपति आदमी है तो अरब से बड़ा होएगा, लेकिन लगता है भीतर में, बिल्कुल लगता है। आत्मा स्वभाव से बड़ा है, ये कहां लगता है, कहां का अरबपति अनंतपति है, ज्ञानपति है, पति माने स्वामी, अपने अनंत गुण का अनंत वैभव का स्वामी है, लेकिन लगता है। अभी कोई एक साधारण साधारण व्यापारी आ जाए, साधारण दुकान है उसकी छोटी सी, और अपने संतोष से रहता है, पूजा पा पूजा स्वाध्याय करता है आराम से, अपना बनता सु दान पुण्य भी करता है, आहार दान, दान पुण्य माने रुपये पैसा थोड़ी होता है, आहार दान औषधि दान, अपने जहां बनता है उसकी सेवा। हम कहें बहुत बड़ा आदमी तुम्हें नहीं मालूम ही, तो ऐसा देखो ये क्या कह रहे, काय का बड़ा आदमी, अरे जिसकी तो सामान्य सी दुकान है बेचारे, लगेगा ही नहीं ये बड़ा आदमी, क्यों, वासना भीतर पाप वासना बैठी है, धन से बड़े होते हैं, तुमसे बहुत बड़े हैं बेटा, तुम क्या समझते हो, भीतर पाप वासना बैठी है, आयु से बड़ा होता है इस शरीर के संयोग, पर से बड़े छोटे पने की वासना भीतर बैठी है, ये कल के आए हम कितने पुराने, तो का हो तुम भी एक दिन नए आए थे कि नहीं आए थे ये बता, फिर का बात होगा, सब नए ही आते हैं, कोई परेशानी होती है, लेकिन उनका गुरु बनने की कोशिश कर, जल्द से होती सिखाने की कोशिश होती है,
ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। ये पाप वासना काय की बैठी है, समझ में आया ना भैया? पाप वासना माने समझ गए क्या? एकत्वपना, कर्तृत्वपना, भोगों में सुख बुद्धि। आज मौसम अच्छा हो गया, बोलो एक मत बोलते सब। आज मौसम बहुत खराब हो गया, बहुत गर्म हो गया मौसम, आज बहुत खराब हो गया जी समझ। तो बता भीतर में माने ये अच्छा और बुरे की जो मान्यता है, किसे कौन सी किताब में देख के कह रहे तुम? कौन सी शास्त्र में पढ़ करके बता रहे आप? भीतर लग रहा पढ़ने को तो हम कहेंगे पढ़कर बेस्ट अनिष्ट नहीं है जी, पर्याय मात्र नहीं है, छह उत्सम से कोई बड़ा छोटा है नहीं, लेकिन लगता है जी छोटे हैं जी हम बड़े। और एक भावों से ज्ञानी की नाप नहीं है, लेकिन नाप तो हम वैसे और एक भावों से ही करेंगे। कितनी गहरी जड़ें बैठी हैं। बाजराज मुंडराज कहते भैया हमने ये कुष्ट नहीं मिटाया, हमने कुछ नहीं किया, हम तो रोज की तरह भक्ति करते हैं, कब हुआ ये भी हम हमें ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है, और कब मिटा, मिट गया तो ठीक, हो गया तो ठीक, हमें कोई मतलब ही नहीं, हम तो भेद ज्ञान करके आनंदित रहते हैं, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की। तो वो आके खड़ो हो गो पांचवी महाराज आप कछु कहो, हम तो आपका चमत्कार ही माने, इतनी गहरी जड़ बैठी, आप कुछ भी कहो हम तो और का ही दोष मानेंगे, आपकी कथा ही मानेंगे, हम अपनी गलती नहीं देखेंगे, आप कुछ भी कहो जो कहना हो सका गुस्सा हो बस, और नेक देर की गुस्सा है बस, और कुछ नहीं। ये नहीं है ये हमारा क्षम्य अपराध है। माने ये पाप वासना माने विपरीत मान्यता पड़ी, सबसे बड़ा पाप है ये मिथ्यात्वा, तो भीतर बसी बैठी रहती है। मैं मारता हूं, मैं बचाता हूं, मैं सुखी करता हूं, मैं दुखी करता हूं, ये कर्तृत्व के जो अध्यवसान हैं, मान्यता हैं, ये पाप है कि नहीं बोलो? इस संबंध में दो बातें कही थी, देखो जीव को बचाने का भाव पुण्य भाव, जीव को बचाने का रक्षा करने का भाव पुण्य भाव, बचा पाना नहीं बचा पाना अलग बात है, लेकिन बचाने का भाव कैसे बच जाए, रक्षा हो जाए, भाई देख के चलो जीव बचा, जीव बचा बचा जीवों की रक्षा करते हुए सब, ये पुण्य भाव। लेकिन मैं बचा सकता हूं, मैंने बचाया, ये मान्यता पाप है। क्यों? आयु नहीं हो तो बचा तो नहीं पाओगे, तुमने इधर बचाने की कोशिश करी वो उधर, कई बार एक्सीडेंट ऐसे ही हो जाते हैं, अपन बचाने की कोशिश करते हैं और वो बेचारा हड़बड़ आ जाता है। समझ में? चारित्र की विषय चारित्र का है, माने लापरवाही इसमें वासना क्या बसी है, ऐसी हिंसा तो होती रहती है, इसमें क्या है? अब साफ सुथरा हो गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, बस बहुत बढ़िया हो गया। ये हिंसा में आनंद की वासना, भोगों में आनंद की वासना, दुख की कल्पना, बुरे की कल्पना, ये भीतर में बसी हुई है। तत्व ज्ञान के गहरे अभ्यास से ये वासनाएं निकल पाएंगी, और जिसके पाप वासना रहती है उसको क्या होता है? कुगति में जाता है। जिंदगी भर उसने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वासना ये बसी रही, देखो ऐसा वैभव, ऐसा भोग, ऐसे सुख, ऐसी स्त्री, ऐसे फलाने, और बस कहां गया? पापी के पाप वासना रहती है। धर्मी किसको है? जिसको निरंतर धर्म वासना रहती है।
धर्म वासना भीतर में, ज्ञान धारा भीतर में चल रही है, कार्य हो रहे हैं लेकिन उनमें हे को हे जान रहा है, उपाधे को उपाधे जान रहा है, खतौनी सही है उसमें। विचारना क्या पाप वासना किसका नाम है। हाँ, मोह को साथ में लेकर के चलना वासना बसी हुई चीज का नाम है। पाप न करते हुए भी पाप की वासना होना, बसी है ना भीतर, पाप न करते हुए भी पाप की वासना बसी है, सुख बुद्धि तो पड़ी है, कर्तत्व तो पड़ा ही हुआ है, इसी की भाषा आता है बदल जाती है, अहंकार मां ये सब उसी में से उत्पन्न होते रहते हैं। कैसे लिखा होगा, पांच योजन में से निकलता है परंतु राजा एक है, पर भूप उसमें एक है। तो ऐसे ही इस भीड़ में मैं अकेला हूं, इन विकल्पों में मैं अकेला हूं, इससे न्यारा है मेरा एकत्व, इसका खूब अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो, नहीं तो अवसर चला जाएगा।